Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? मरना तेरे को डर नहीं लगता? Will Smith just smacked the shit out of me. अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जो घटना हुई है ना, ये ऑस्कर अवार्ड फंक्शन के दौरान हुई. आखिर ये थप्पड़ किसने मारा, किसको मारा और क्यों मारा? क्यों? इन सभी सवालों के जवाब हमको मिलने वाले हैं आज इसी वीडियो में. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो का शुभारंभ करते हैं घंटा बजा के. मैं विस्तार से आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझाता हूँ. ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, इनका नाम है क्रिस्टोफर जूलियस रॉक. ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है. अब ये भाई साहब ऑस्कर अवार्ड फंक्शन के दौरान एंकरिंग कर रहे थे स्टेज पर. अब ये ऑस्कर क्या होते हैं? जैसे इंडियन मूवीज के लिए ना इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड क्लास मूवीज के लिए ना ऑस्कर अवार्ड होते हैं. वैसे क्या ऑस्कर और फिल्म फेयर को कंपेयर करना सही है? नहीं. तो ये भाई साहब एंकरिंग कर रहे थे स्टेज पर, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एंकर्स कई बार लोगों को हंसाने के लिए दूसरों की खिंचाई कर देते हैं, तो ये भाई साहब भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे. लेकिन इनका मजाक इन्हीं पर भारी पड़ गया. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? इसमें ये विल स्मिथ जो कि हॉलीवुड के बहुत बड़े वाले एक्टर हैं, इनफैक्ट मैं भी उनका फैन हूँ, उनकी हर एक मूवीज देखता हूँ विल स्मिथ की ना, तो इसमें ये विल स्मिथ की वाइफ को मतलब उनके लिए कह रहे हैं कि उन्हें जीआई जेन 2 में एज अ एक्ट्रेस काम करना चाहिए. अब ये जीआई जेन 2 क्या चीज है? जीआई जेन एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें मेन एक्ट्रेस के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, मेरे बालों से भी छोटे, जैसे कि विल स्मिथ की वाइफ के हैं. तो इसी बात पर क्रिस रॉक ने जोक क्रैक किया था स्टेज पर कि उनकी वाइफ को उस मूवी में काम करना चाहिए, शायद बालों को देख के बोला होगा. तो इसी बात पर विल स्मिथ को गुस्सा आ गया और फिर जो हुआ वो खुद ही देख लो. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. यार देखो, विल स्मिथ ना पहले खुद ही हंस रहे थे जोक पर, लेकिन अचानक उनके अंदर पुष्पा की आत्मा आ गई और चले गए भाई साहब स्टेज पर क्रिस को थप्पड़ मारने के लिए. शायद उनको याद आ गया होगा कि अवार्ड फंक्शन के बाद ना घर भी जाना है, और घर पर जो बीवी अवार्ड देने वाली है ना वो बड़ा दर्दनाक होने वाला है. इसीलिए चले गए भाई साहब पुष्पा बनके. भाई झुकेगा नहीं साला. वाओ dude, इट वाज अ जीआई अर्थात मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान पर दोबारा मत लाना. ओके जोक सपाट, एज अ एंकर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जोक मारते मारते आप किसी की पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट ना करें, क्योंकि विल स्मिथ की वाइफ जेडा स्मिथ ने कोई शौक से अपने बाल छोटे नहीं रखे हुए, उन्हें एक बीमारी है एलोपेशिया नाम की जिसमें हमारे बाल लगातार झड़ते रहते हैं, हेयर फॉल होता रहता है, इस वजह से उनके बाल छोटे हैं, और शायद यही बात विल स्मिथ को बुरी लगी और उन्होंने ऐसा रिएक्ट करा. लेकिन विल स्मिथ सर, आपको भी ना ऐसी मतलब अवार्ड फंक्शन के बीच में मारपीट नहीं करनी चाहिए थी. देखो गलत है, ठीक है, आप उसको एज अ जोक के तौर पे ले सकते थे, मजाक के तौर पे ले सकते थे, या फिर आप डांट सकते थे एंकर को, लेकिन यू स्टेज में जाके एंकर को थप्पड़ मारना, दैट्स नॉट अ गुड डीड यार. देखो अच्छी बात नहीं है, आप जैसे ऑफिशियल लोगों को शोभा नहीं देता. वेल इस वीडियो को देखने के बाद ना निब्बा लोग बड़े खुश हुए होंगे यार, क्योंकि वो ना खुले स्वर हो चुके हैं. अगर उनकी निब्बी किसी ने छेड़ दी या उसे कुछ फालतू बोल दिया तो ये लोग भी ना विल स्मिथ की तरह ऐसे ही जाएंगे और पुष्पा बन जाएंगे. बात तो सही है. तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्या विल स्मिथ ने जो किया वो सही किया या नहीं. तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए. टाटा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद.